गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम एस निरंकारी पब्लिक स्कूल से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और पढ़ाने कक्षा 5 पाखी पाठ है विवेकानंद की कलम से। तो बच्चों, हमें विवेकानंद ने हमें क्या दर्शाया है, हमारे इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी है। इन्होंने कहा है, जैसे मान लीजिए मानवता, हमारा धर्म क्या है, इंसानियत मानवता, और पूजा है कर्म। हमें तो जैसे दिया है, अब पत्र में देखिए क्या लिखा है। जैसे लिखा है, प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुआ। रामकृष्ण महोत्सव की बड़ी धूमधाम से सफलता है, यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। यही संसार का इतिहास है। तारक दादाजी बातें मद्रास में सब मालूम हो गए। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो जाओ, तन मन से काम में लग जाओ, गप्पे लड़ाने और घंटे हिलाने का जमाना गया। मेरे बच्चे समझे, अब काम करना होगा। यह है उनके कहने का मतलब है कि हमें समाज में संसार में चेतना का संचार करना होगा। तो हमें समाज में संसार में चेतना का संचार करना चाहिए। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। इन्होंने कहा, विवेकानंद ने ये बात कही। और है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ न रुको। यानी हमें उठो जागो, यानी हमें कर्म करना चाहिए और जब तक हमारा लक्ष्य ना पहुंच जाए तब तक हमें अपने कर्म से नहीं हटना चाहिए। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। बच्चों, इनको कहने का मतलब है कि जो अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरों की भला नहीं देखता है, दूसरों की मदद नहीं करता है, तो वह क्या कहता है, उसको नर्क में भी जगह नहीं है। कहने का मतलब कि भगवान, अगर अपना सुख देखना है, हमें अपना सुख की प्राप्ति करनी है, तो दूसरों के सुख में हमें खुशी होना चाहिए, तभी हमारा जीवन में खुशी मिलेगा। तो जिन्हें अपने आराम की सुझा, जो आलसी है, जो प्रकृति जी के सामने सबका सिर झुका दिखाना चाहते हैं, वह हमारे कोई नहीं। कहने का मतलब उनका है कि जो अपना ही सब कुछ, जो अपना ही सुख देखता है, अपना ही आराम देखता है, अपने ही भलाई देखता है, तो भगवान के नज़र में वह कोई, भगवान कहते कि वह हमारे लिए कोई नहीं है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की भलाई में खुश होना चाहिए, दूसरों की खुशी में हमें खुश होना चाहिए, तभी हमें सुख की प्राप्ति मिलेगी, हमें जीवन में सुख की प्राप्ति मिलेगी। थैंक यू।